हेलो एवरीवन वेलकम टू अन अकेडमी मेरा नाम है कृतिका पारेख और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल अन अकेडमी यू जी सी नेट पे और वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू आप मस्ट नो सीरीज का हमारा जो छः बजे लेक्चर होता है उसमें आज हम लोग मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में एक लास्ट मॉडल के बारे में देखने वाले हैं जिसमें हम इंटरेक्शन मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन को समझेंगे तो आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के क्लास की और आप सभी से रिक्वेस्ट है एक बार क्लास को शेयर जरूर करें मेरा नाम है कृतिका पारेख एजुकेटर हूँ अन पे और रेगुलर क्लासेज लेके आती हूँ पेपर वन और पेपर टू की आप लोगों के लिए। अगर आप मेरे साथ में जुड़ना चाहते हैं अन अकेडमी के लर्निंग ऐप पर तो दोस्तों यूजीसी टेन कोड आपके लिए हाजिर है पेपर वन पेपर टू सभी क्लासेस को अनलॉक कराने के लिए अन अकेडमी के कैसे भी सब्सक्रिप्शन पे टेन परसेंट डिस्काउंट के लिए आप इसे अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन की सीरीज में आज हम लास्ट मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन जिसको बोला जाता है इंटरेक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन की हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट है दोस्तों इंटरेक्शन मॉडल क्यों बोला जाता है कभी भी हम किसी से इंटरेक्शन कब करते हैं कोई बोले कि मेरा उससे इंटरेक्शन हुआ इट मीन्स आप भी बोले वो भी बोला और दोनों में बातचीत हुई लाइनर कम्युनिकेशन लीनियर क्या होता है आप वो बोला आप कुछ नहीं बोले आप सुने और वापस घर आ गए तो इंटरेक्शन का मतलब ये है कि ऐसा कम्युनिकेशन का मॉडल जिसमें सेंडर से बात रिसीवर तक जाए और रिसीवर भी उस बात का उतना ही रिप्लाई अपने सेंडर को करे फॉर एग्जाम्पल आपका और आपके पेरेंट्स के बीच में होने वाला कम्युनिकेशन फेस टू फेस अगर हम किसी से बात कर रहे हैं किसी से अपनी क्वेरी पूछ रहे हैं क्वेश्चन पूछ रहे हैं ऐसा कम्युनिकेशन जिसमें आपने कोई बात बोली और आपकी बात से जुड़ता हुआ रिप्लाई आपको मिला वही एक इंटरक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन कहलाता है ये इसकी एक सरल भाषा है जैसा कि आप देख सकते हैं कि कोई भी बात सेंडर ने मैसेज किया रिसीवर को रिसीवर ने इंस्टेंट फीडबैक दे दिया सेंडर को ठीक है तो ये उसका क्या है ये जो एक क्राइटेरिया है ग्रीन कलर में ये सेंडर का फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस है और ये वाला जो है वो रिसीवर का फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस है जिसमें दोनों के ही मैसेज और फीडबैक को शामिल किया गया था अब देखिए यहाँ पे पहली बात तो ये कि इसमें नॉइज़ भी शामिल होती है और इसमें फीडबैक भी शामिल होता है मतलब ये कि अगर सेंडर रिसीवर को कुछ बोल रहा है तो बात रिसीवर तक पहुँचने के पहले नॉइज़ के रूप में ख़राब हो सकती है और अगर रिसीवर सेंडर को कुछ बोल रहा है तो बात फीडबैक के रूप में रिसेंडर तक पहुंच सकती है नॉइज हमेशा रिसीवर के लिए होती है और फीडबैक हमेशा सेंडर के लिए होता है इसमें ये दोनों ही एलिमेंट डेवलप रहते हैं और यहीं पे ये आ, जुड़े रहते हैं इसमें स्पेशली हम उस टाइप के कम्युनिकेशन को शामिल करते हैं जिसमें फेस टू फेस या डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो फॉर एग्जाम्पल दो फ्रेंड बात कर रहे हैं आपस में फेस टू फेस फ़ोन पे बात कर रहे हैं वीडियो कॉल कर रहे हैं लाइक अ सिंक्रोनॉमिक कम्युनिकेशन जिसमें डायरेक्ट बात हो रही हो, उसमें डेफिनेटली फीडबैक ज़रूरी होता है तो जो हमारा इंटरेक्टिव मॉडल होता है दोस्तों उसको हम दो पार्ट्स में शामिल करते हैं एक है ऑसगुड का और दूसरा आता है आपके वेस्टर्ली और आपके मैकलिन का मॉडल दोनों क्या बोलते हैं ऑसगुड़ तो ये बात बोलते हैं कि ये आपके जो मॉडल है वो ये शो करता है कि इसके अंदर आपको किसी भी तरीके का सेंडर और रिसीवर में डिफ्रेंशिएट नहीं करना चाहिए दोनों ही बिल्कुल इक्वल होते हैं हमने जब एरिस्टोटल मॉडल पढ़ा था तो उसमें क्या था सेंडर को राइट right था बोलने का बट रिसीवर के फीडबैक की कोई वैल्यू नहीं थी यहां पे ये बोला गया था कि दे बोथ आर इक्वल यहाँ पे साफ लिखा है कि वो बोथ आर इक्वल पोजिशन एज मैसेज एंड कोड एंड डिकोड द मॉडल इज बेस्ट एक्सप्लेनिंग एंड एग्जामिनिंग पर्सनल सिंक्रोनॉमिक कम्युनिकेशन वेयर फीडबैक इज इमीडिएट जैसे कि फेस टू फेस कम्युनिकेशन किसी ने किसी को गलत बोल दिया उसने हैंड टू हैंड उसको उससे ज्यादा गलत बोल दिया तो ये क्या था फेस टू फेस जिसमें इमिडिएट रिएक्शन आ रहा था आपका ठीक है इसी के साथ साथ एज फीडबैक इज इमीडिएट नॉइस कैन बी रिड्यूस थ्रू ऑन गोइंग क्लैरिफिकेशन ऑफ मैसेज ड्यूरिंग द कॉन्वर्सेशन मतलब कि ये अगर लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं तो नॉइस कंपेटिवली रिड्यूज होगी जैसे किसी ने किसी को लेटर लिखा लेटर लिख के लेटर दो दिन बाद उस तक पहुंचा तो उस लेटर को वो किस एंगल से पढ़ेगा किस एंगल से वो शब्दों को देखेगा तो चांसेस ये है कि लिखने वाले ने जो इंटेंसिटी से लेटर लिखा था पढ़ने वाले के लिए वो इंटेंसिटी चेंज हो जाए लेकिन अगर वही बात कोई किसी के मुंह पे बोलेगा तो वह हैंडराइट उससे क्लियर कर लेगा तो नॉइज का मतलब यह है कि कम्युनिकेशन में बैरियर आने की संभावनाएं कम हो जाती है जैसे जैसे कम्युनिकेशन वाइल्ड होता जाता है तो यह ऑसगुड का मॉडल था इसमें यही बोला जाता है कि जो एनकोडर होता है वो मैसेज देता है ठीक है वो आपके डी तक पहुंचता है डीकोडर मैसेज देता है एनकोडर तक पहुंचता है इट मीनस यहां पे आके आपका कम्युनिकेशन पूरी तरीके से सर्कुलर हो जाता है डिफाइन करना मुश्किल होता है मानिए दो लोग बात कर रहे हैं एक ने बोला तुम कैसे हो उसने बोला मैं बहुत अच्छा हूं तुम बताओ तुम कैसे हो आप उनमें बातचीत हो रही है हम अगर बीच कॉन्वर्सेशन में जाएंगे तो हम ये नहीं पहचान पाएंगे कि हुई हुई हमें लगेगा कि ये दोनों ही सेंडर और, सेंडर और सेंडर रिसीवर है एक बोल रहा है दूसरा सुन रहा है दूसरा बोल रहा है पहला सुन रहा है तो इसमें यही बात है कि सेंड एनकोडर ने मैसेज भेजा डी डीकोड किया डी ने जब मैसेज वापस भेजा तो वो एनकोडर बन गया और उस मैसेज को लेने वाला डीकोडर बन गया तो जहाँ पे कम्युनिकेशन का सर्कल डेवलप हो जाए वही आपका इंटरेक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन कहलाता है आई होप आपको ये मॉडल अच्छे से समझ में आ गया होगा बहुत इजी मॉडल थे अब हमने हमारे पांच पांच मिनट की छोटी छोटी सीरीज़ में कम्युनिकेशन के मॉडल्स को कंप्लीट कर लिया है अब आप लोगों के लिए गई कल से बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे मैं आप लोगों के लिए नए चीज़ें मैं लाने वाली हूं अपील क्या होती है प्राइमिंग फ्रेमिंग ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन इमपर्सनल पर्सनल सिंक्रोनॉमिक्स जो कम्युनिकेशन के बेसिक टर्म होते हैं उनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं अगर आपको ये क्लासेस अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और मेरे साथ में अनअकेडमी प्लस पर जुड़ने के लिए अन का सब्सक्रिप्शन लें क्योंकि पेपर वन और पेपर टू के इक्कीस सब्जेक्ट आपको एक सिंगल सब्सक्रिप्शन से अवेलेबल होते हैं हर हैवरी वेनसडे नए बैच कोर्स आते हैं आपके लिए तो आप अन अकेडमी का आइकॉनिक या प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं दोनों ही सब्सक्रिप्शन की फीस में डिफरेंस है प्लस की फीस है तेरह जिसको आप यूजीसी टैन कोड जो कि मेरा रेफरल कोड है इसकी मदद से बारह हज़ार तीन सौ पचहत्तर में ले सकते हैं और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की फीस है छब्बीस हज़ार जहाँ आप यूजीसी टैन कोड की मदद से तेईस हज़ार चार सौ में ये ले सकते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है गाइस आप देख सकते हैं प्लस में चार फीचर्स हैं तो आना आइकॉनिक में सिक्स फीचर्स एक्स्ट्रा है जैसे पर्सनल कोच प्लस में नहीं है आइकॉनिक में है स्टडी प्लानर आइकॉनिक में है स्टडी बूस्टर सेशन डाउट सॉल्विंग सेशन इंटरव्यू प्रिपरेशन तक क्योंकि कॉलेज लेक्चरर बनने के लिए और पीएचडी में एनरोलमेंट लेने के लिए इंटरव्यू तो देना पड़ेगा स्टडी मटेरियल आपको प्लस नहीं देता है आइकॉनिक देता है तो जो भी हो सके आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लीजिए ईएमआई पर आप ले सकते हैं और मेरे साथ में आकर के आप लोग जुड़ सकते हैं प्राइस हाइक होने वाला है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्रिप्शन लेंगे तो वो अच्छा रहेगा थैंक यू सो मच एवरी मिलेंगे अब आप लोगों से हमारी कल होने वाली नेक्स्ट क्लास में मॉर्निंग में छः बजे क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए लाइक कीजिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाइए थैंक यू वेरी मच हैव ए नाइस डे बाय